वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन रेनफोर्स कॉन्क्रीट डिज़ाइन इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन नाउ इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट दिस 0.43 पॉइंट फोर थ्री एक्स यू जीरो पॉइंट फाइव सेवन एक्स यू देन हाउ दैट जीरो पॉइंट फोर फाइव एफ सी केम्स राइट एक्चुअली इट इज़ जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के लेकिन वो जीरो पॉइंट फोर फाइव कैसे आ गया उसके बाद ये जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू कैसे आ गया देन जो जो लीवर आर्म है जेड यू वो कैसे आया ये हमने कैलकुलेट किया था अभी यहाँ पे ये वीडियो में ये लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी कि एक्स्यू मैक्स क्या एक्स्यू मैक्स की जो लिमिटिंग वैल्यूज है जिसे हम एक्स्यू मैक्स कहते हैं एक्स्यू के जो लिमिटिंग वैल्यूज है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो अभी हमें क्या पता है हमें पता है कि स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील का फॉर्मूला हमें गिवन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट कितना है वो भी गिवन है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव एंड मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील जीरो पॉइंट एट सेवन एफ आई ई एस अपॉन ई एस प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वो भी हमें गिवन है तो सिंपली हम क्या करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेन इन स्टील कितना है तो एफ आई अपॉन वन पॉइंट वन फाइव ई एस प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू अब ये वन पॉइंट वन फाइव क्यों लिया बिकॉज जीरो पॉइंट एट सेवन को हम नीचे लेके आ गए सो वन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट सेवन आपको मिल जाएगा वन पॉइंट वन फाइव तो यहाँ पे एफ आई हमने टू फिफ्टी पुट किया और ई एस हमने टू इंटू टेन टू सुपर फाइव पुट किया बिकॉज इट इज़ स्टील तो हमें वैल्यू मिल गई ई एस यू की जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री जीरो एट ठीक है ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद हम जाते हैं हमारे डायग्राम के तरफ फिर से यहाँ पे हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करते हैं तो वाइल डूइंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस एक ये ट्रायंगल है हमारे पास और एक दूसरा ये ट्रायंगल है ठीक है तो ये ट्रायंगल में हाइट कितनी है ई सी यू और विथ कितनी है एक्स यू बेस कितना है एक्स यू यहाँ पे हाइट कितनी है ई एस यू और बेस कितना है तो अगर ये टोटल डी है और अगर ये एक्स यू है तो ये कितना मिल जाएगा आपको डी माइनस एक्स यू राइट सो हमने क्या किया कि पहला ट्राइंगल लिया उसका एक्स यू डिवाइडेड बाय ई यू यानी ई सी यू इसे हम ई सी यू लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू सेकेंड का बेस लिया बी माइनस एक्स यू इसका बेस और इसकी हाइट ई एस यू दिस वन ठीक है तो ये ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइट ये ट्रेंगल का बेस अपॉन हाइट यहाँ पे लिखा दिस इज नोन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल इसपे से हमें मिल गया एक्स यू इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी अब ये जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी कौन से किसके लिए दिस इज फॉर टू फिफ्टी राइट सिमिलरली अगर हमें फोर वन फाइव के लिए कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम फोर वन फाइव लिखेंगे और ये जो वैल्यू निकलेंगे ये फोर वन फाइव के लिए निकलेंगी बाद में ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा हंड्रेड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो अगर यहाँ पे अब सभी वैल्यूज दी है टू फिफ्टी के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी ठीक है फाइव के लिए जीरो पॉइंट फोर एट डी और फाइव हंड्रेड के लिए काम हमें हमेशा हमेशा पढ़ना वाला है ठीक है. हम देखने वाले हैं पीटी uh, लिमिट या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील सो दैट कि हमारा जो बीम रहेगा वो अंडर इनफोज या बैलेंस रहेगा ये जो ये लिमिट है इससे ज्यादा अगर आप स्टील प्रोवाइड करोगे तो हमारा सेक्शन जो है वो ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगा ठीक है तो अभी ये पीटी लिमिट कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं पीटी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था एक्स्यू मैक्स और 415 के लिए कितना था 0.53 पॉइंट फाइव थ्री डी सो सॉरी फाइव हंड्रेड टू फिफ्टी के लिए जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी था फोर वन फाइव के लिए वो था जीरो पॉइंट फोर एट डी तो एक्स्यू मैक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी हमें पता है लास्ट एग्जाम्पल पे से उसके बाद b को हम इधर लेकर आ गए तो, तो हो गया अब का का भी हमें पता है का क्या है क्या के बी। अगर हम दोनों तरफ दी दी से डिवाइड करते हैं तो यहां पे हमें मिल जाएगा एक्सोमैक्स बाई डी और यहां पे आ जाएगा बी यहाँ पे आ जाएगा बी राइट क्स बाई डीज इक्स टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री हमें पता है तो यहां पे हम पुट करेंगे और उसके बाद हम इसे रीअरेंज करेंगे सो दैट वी विल गेट ए एस टी बाई बी डी ये जो ए एस टी बाई बी डी है ये साइड में लेके आ जाएंगे और बाकी यहां पे रखेंगे और हमें ये भी पता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं ए एस टी अपॉन बी डी इंटू हंड्रेड तो हम क्या करेंगे ये टर्म को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसपे से फिर आपको वैल्यू मिल जाएंगी पी टी लिमिट

फॉर एग्जाम्पल अगर फोर वन फाइव और ट्वेंटी है ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो फोर वन फाइव है और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ट्वेंटी है तो पी टी लिमिट कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन सिक्स अगर ग्रेड ऑफ स्टील टू फिफ्टी है और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ट्वेंटी फाइव है तो ये कितना हो जाएगा टू पॉइंट टू जीरो राइट सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर सम वैल्यूज फ्रॉम दिस जो कॉमन वैल्यूज है कॉमन वैल्यूज कौन सी है ट्वेंटी एंड फोर वन फाइव जीरो पॉइंट नाइन सिक्स या फिर 25 फाइव एंड फोर वन फाइव वन पॉइंट नाइन थ्री राइट तो ये वैल्यू आप रिमेंबर कर सकते हो या फिर आपको सिर्फ पता चाहिए सिंपल कैसे कैलकुलेट करना है इट इज वेरी सिंपल एक्सुम मैक्स बाई डी की वैल्यूज आपको पता ही रहती है सिंपली ये प्रोसेस फॉलो कीजिए यू कैन कैलकुलेट पीटी लिमिट फॉर एनी ग्रेड ऑफ स्टील एंड एनी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट राइट सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंस ऑफ पीटी लिमिट या पीटी लिमिट और एक्सयू का क्या रोल होता है तो वो हम देखेंगे कि अंडर इन्फोर सेक्शन ओवर इन्फोर सेक्शन और बैलेंस सेक्शन हम किसे कहते हैं ठीक है सो so, जो अंडर इन्फोर सेक्शन ओवर इन्फोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन जो रहता है वो एक्सयू और पीटी लिमिट के वैल्यू वैल्यूज पर डिपेंड करता है ठीक है सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू